भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको माँ शैलपुत्री की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। माँ दुर्गा की पूजा के महापर्व शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ आज से हो गया है। आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है और आज माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री कहलाती है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि माँ शैलपुत्री माता पार्वती का ही स्वरूप है और उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था। तब उन्हें शिव जी पति के रूप में प्राप्त हुए थे। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। माँ शैलपुत्री का जो स्वरूप है, उनकी जो पूजा विधि है, भोग और मंत्र है, वो इस प्रकार रहेगा। माँ शैलपुत्री का स्वरूप पर्वत को शैल भी कहा जाता है और पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने की वजह से उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। माँ शैलपुत्री को सती, हेमवती और उमा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का वर्ण सफेद रंग है और उन्होंने सफेद रंग के वस्त्र धारण किए हैं। माँ शैलपुत्री की सवारी बैल है। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल शोभायमान है। माँ का यह स्वरूप सौम्यता और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। माँ शैलपुत्री की पूजा विधि, नवरात्रि के पहले दिन सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान कर ले और स्वच्छ वस्त्र धारण करे। उसके बाद अपने मंदिर की साफ सफाई करे और लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके माँ दुर्गा की मूर्ति या उनके विग्रह या फिर उनकी तस्वीर को उस स्थान पर स्थापित करें। फिर गेहूं की ढेरी रख करके कलश की स्थापना करके माँ शैलपुत्री का व्रत करने का संकल्प ले। फिर माँ शैलपुत्री की रोली, चावल, गंध, अक्षत आदि से पूजा करें। इसके बाद माँ को नए वस्त्र अर्पण करना चाहिए। वैसे तो माँ को आप चुनरी अर्पण कर सकते हैं या फिर कलावा या मोली भी वस्त्र के रूप में चढ़ा सकते हैं। धूप दीप से उनकी पूजा आरती करें। उसके बाद माता शैलपुत्री की कथा का श्रवण करना चाहिए तथा दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। शाम को भी इसी प्रकार से माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना आपको करनी चाहिए। माँ शैलपुत्री का जो प्रिय भोग है वो घी का भोग है। घी का भोग लगा करके एवं अनार का फल उनको सबसे प्रिय होता है। घी का भोग उनको लगाएं। उसके बाद यह घी ब्राह्मण देवता को दान कर देना चाहिए। माँ शैलपुत्री का रंग सफेद है और उन्हें सफेद रंग की वस्तुएं भी अत्यधिक प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में सफेद फूल अर्पण किए जाते हैं और सफेद वस्तुओं और दूध से बनी मिठाइयों का भी भोग उन्हें लगाया जाता है। आप चाहें तो मिश्री या बताशे का भोग भी माँ शैलपुत्री को अर्पित कर सकते हैं। शाम की पूजा के बाद मखाने की खीर का भी भोग माता शैलपुत्री को आप लगा सकते हैं। माँ शैलपुत्री की जो पूजा का मंत्र है वो इस प्रकार है, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखरम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम पूर्णेन्दु निभाम गौरी मूलाधार स्थिताम प्रथम दुर्गाम त्रिनेत्राम पट्टाम्बर परिधानाम रत्नाकिरीट नामालंकार भूषिता प्रफुल्ल वदना पल्ला वधरा कांतव कपलोक तुंग कचाम कमनीयाम लावण्याम स्नेहमुखी क्षीण मध्याम नितंबिनीम या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शम शैलपुत्री देव्ये नमः। यह महामंत्र माता शैलपुत्री का है। अब हम माँ शैलपुत्री की आरती का गायन करेंगे। शैलपुत्री माँ बेल पर सवार करे देवता जय जयकार शिव शंकर की प्रिय भवानी तेरी महिमा किसी ने न जानी पार्वती तू उमा कहलावे जो तुझे सिमरे सो सुख पावे
रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती तेरी जिसने उतारी, उसकी सगरी आस पुजा दो, सगरे दुख तकलीफ मिला दो। घी का सुंदर दीप जला के, गोलागरी का भोग लगा के, श्रद्धा भाव से मंत्र गावे, प्रेम सहित फिर शीश झुकावे। जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिव मुख चंद्र चकोरी अम्बे। मनोकामना पूर्ण कर दो, भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो। बोलिए शैलपुत्री माता की जय, जगदम्बे मात की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक आपको कथा सुनाई है, इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो निरंतर सबसे पहले आपको प्राप्त होती रहे। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।